इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़रते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे हैदराबाद नीलोफर हॉस्पिटल से। नीलोफर हॉस्पिटल के पास फुटपाथ पर कई लोग अपना अपना कारोबार करते हैं, उस कारोबारियों को जीएचएमसी की जानिब से सताया जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वहाँ के कारोबारी लोग। वो लोग का ये कहना है कि जीएचएमसी के अहदेदार आकर इनके दुकानों को तोड़ रहे हैं। वहीं पर हॉकर्स एसोसिएशन का एक जीओ है जो इनके फुटपाथ के कारोबारों को तोड़फोड़ की जा रही है, उससे पहले इनको नोटिस देना चाहिए, फिर उसके बाद जीएचएमसी को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, इस तरह का इनके पास एक जीओ है। इसी के ताल्लुक से हॉकर्स एसोसिएशन ने मिलकर जाकर जीएचएमसी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो बहरहाल किधर से भी गरीब लोगों को शायद जीने का हक है या नहीं है पता नहीं, अक्सर ऐसे तकलीफों का सामना गरीब लोग फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग ही करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं नीलोफर हॉस्पिटल से ये खास खबर। कैंसर हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल जी, जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जो अपना रोज़ का जो कारोबार करने वाले, रोज़ जो अपना पेट भरने वाले हैं, इनको म्यूनसिपल की तरफ से आज जो है रिमो कर दिया गया है फुटपाथ पे जो है इंक्रोचमेंट के नाम पे। हालांकि स्ट्रीट वेंडर्स का एक्ट है, 2014 का एक्ट है, पार्लियामेंट का गजट है, और तेलंगाना सीएम साहब जो जीओ दिए वो है। ये सोप रहने के बावजूद भी एसीपी मैडम जो माधवी प्लस और एक हमारे मंजुला मैडम बोल के है, ये लोग डिप्टी कमिश्नर साहब बात करना चाह रहे बोले तो भी उनका भी जो है फ़ोन रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। और जो है ये हमको ये बताया जा रहा है कि ये कानून उन कुछ भी नहीं है, हम हमारी मर्जी के राजा है, हम जो करते हैं तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए बोल के ये लैंग्वेज इशू कर रहे हैं ये लोग। हालांकि मैं पार्लियामेंट का एक्ट बता रहा हूँ और गैजेट बता रहा हूँ स्ट्रीट वेंडर्स का, ये सब बताने के बावजूद भी जो है सो इसको लेके कचरे में डाल दो बोल के बोल रहे हैं। ये कहाँ का कानून है और कहाँ का है? ये सर्कल 7 टाउन मीटिंग कमेटी मेंबर, हालांकि मैं टाउन मीटिंग कमेटी 12 टाउन मीटिंग कमेटी मेंबर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद पाशा है, एरिया टाउन मीटिंग कमेटी मेंबर भी हूँ मैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ मैं टाउन मीटिंग कमेटी में डिसाइड करना है कि ये लोग को हटाने से पहले ये लोग को जगह बताना पड़ता है, ये लोग को जो है सो अपन लोग को हटाने से पहले उनको जगह बताना, उनको जगह बताने के बाद में ये लोग को हटाने का इसमें एक्ट में ऐसा है। बगैर इनको इन्फॉर्मेशन दिए कि आज जो है सो तकरीबन 40 मेंबर्स को जो है बेघर कर डाले ये लोग के पास। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री सी लोन जो दिए, ये लोग लोन भी लिए, ये लोन कहाँ से बनेंगे ये लोग, और इनके बच्चों का, इनके घर का, इनकी फैमिली का कौन जिम्मेदार? आज
जितना भी आज यहाँ तोड़े हैं यहाँ पर, कम से कम एक एक का 15 से 20 हज़ार का नुकसान हुआ। ये हम ये चाह रहे हैं कि म्यूनसिपल जो है इसका जो है हमारे को अदा करना, और जो है नाजायज जो है सो इलीगल तरीके से, हालांकि हमारा हाईकोर्ट में हमारा अभी पिटीशन ऑलरेडी चल रहा, केस चल रहे के बाद में भी हम बोले कि भाई ऑलरेडी हमारा हाईकोर्ट में केस रहने के बावजूद आप हमारे को हरासमेंट कर रहे, बोले तो हमारे को नहीं सुनाना जी, हमारा काम हम कर रहे, हम किसी को भी नहीं सुनते, ये एक्ट वगैरह सब जो है कुछ भी हमारे को इसका नहीं मालूम, हमारे को पार्लियामेंट को एक्ट को इग्नोर करे उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को इग्नोर करे, इंक्रोचमेंट हो रहे। इंक्रोचमेंट क्या रहता मैडम, इंक्रोचमेंट ये है कि फुटपाथ के जो बिल्डिंग्स जो बनाते हैं उसको इंक्रोचमेंट मिलते, स्ट्रीट वेंडर्स को हटाना इंक्रोचमेंट नहीं होता, ये फुटपाथ पे जो है कारोबार करने वाले का कानून बने हुआ है, एक्ट बने हुआ है, हर चीज़ बने हुआ है, वो बने हुआ रहने के बाद में भी जो है आप उसको हटा रहे, बोले तो हमारे एरिया के कॉरपोरेटर साहब से भी हमने बात हुई, एमएलए साहब से भी बात हुई, वो लोग बोले ठीक है मियाँ अब जो उन्होंने करें ना, हम लोग बिठाते, हम लोग बात करते, बोल के बोले वो लोग ठीक है बात करते, मगर ये नुकसान जो हमारा हुआ वो नुकसान जो है हमारे को होना, और हम इनके खिलाफ जो है हाईकोर्ट भी जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही है हमारे को तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग जो है नाजायज गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नीलोफर हॉस्पिटल के पास में देखो साहब, नीलोफर जो होटल है, बाबूराव साहब का जो होटल है नीलोफर, वहाँ पर देखो कितनी इलीगल पार्किंग हो रही, वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा आपको। हाँ, ये गरीबों के जो फुटपाथ पे जो कारोबार करने हैं वो दिख रहा आपको, तकरीबन जो है रोडों पे जो है होटलों के सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग होती वो कुछ नहीं दिख रहा आपको। वहाँ पर जो है ना म्यूनसिपल जाती है, ना ट्रैफिक जाता है, ना लाइन ऑर्डर जाता है, फिर अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा तो हम किसके पास जाना, हाईकोर्ट के पास जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। ऑलरेडी जो है ये लोग म्यूनसिपल एसीपी जो माधवी है वो ये सब चीज़ों को मानने के लिए रेडी नहीं है, और तरीका ये गलत है, और हमारे को हमको ये चाहिए कि हम असद साहब से गुजारिश कर रहे हैं, और एमएलए साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग जो आज फुटपाथ पे बैठे हुए कारोबार करने वाले, इनको सपोर्ट करो साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का एक्ट बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग को सपोर्ट करना और इन लोग को जो है साथ देना, कि पार्लियामेंट का एक्ट बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बोल रहे, और तेलंगाना सीएम साहब जो है उसका जियो नंबर 11 है वो बोल रहा है कि भाई इनको हटाने से पहले इनको जगह बताना, जब बगैर इनको आप जगह बताए कि नहीं हटा सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, असद साहब से बार बार मैं असद साहब से गुजारिश करता हूँ, और हमारे जाफर हुसैन मेहरा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे को सपोर्ट करो। नेशनल वर्कर फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट्स में है, इसमें हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी शक्तिमान घोष और ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट मीर अनायत अली बाखरी साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, और संजय कुमार साहब जो अर्बन के जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, उनसे भी बात हुई, तो वो लोग बोले कि भाई वो नहीं मान रहे ना, ठीक है मैं उसका एक कॉपी भेजा दो, आप कंप्लेंट करो, बोले हम अपनी नामपली पीएस में खलील पाशा साहब के पास में आए, और खलील पाशा साहब हमको अच्छे से गाइडलाइंस दिए, उन्होंने बोले कि ठीक है भैया आप लोग जैसा आप लोगों को हम तकलीफ नहीं देंगे, आप वो लोग भी हमारे को कंप्लेंट करे थे, हम भी जो है आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट करते हैं, बोल के बोले और उनके ऊपर एक्शन लेंगे और उनको हम सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।